जब तक बारिश हो रही थी तब तक बहुत मजा आ रहा था, क्लाइमेट एकदम प्लेजेंट था और घूमने का भी मजा आ रहा, प्लस नीचे भी अगर बाहर भी जाओ तो भी अच्छा लग रहा था क्योंकि क्लाइमेट प्लेजेंट था। दो दिनों के बाद बारिश नहीं हुआ, फटे गरम, फैन बंद क्योंकि वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, बैकग्राउंड में नॉइज आता है। CBR यहाँ पर खुल के पड़ी है, बिकिन CBR का एक काम हो रहा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिलहाल मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि आप एक चीज़ है जो मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, वो चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा और वो चीज़ के ऊपर मैं आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगा। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वो बॉय द बाइक। सो गाइस, दिस इज द पार्सल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, और ये है क्या, दिस इज अ पेन व्हिच हैज अ परमानेंट पेंट, और ये परमानेंट पेंट जो है ये आपके टायर्स पर लगाने के बाद किस तरीके से बाइक लगेगी वो मैं आपको। तो गाइस, दिस इज अ पेन आई वाज टॉकिंग अबाउट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और ये मैंने दो क्यों मंगाया है क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये एक पेन जो है वो मेरी बाइक को पूरा हो जाएगा या नहीं, तो मैंने सेफा साइड के लिए दो मंगाए, और वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एक ही लगेगा तो आप एक मंगा सकते हो, अगर दो मंगाना है तो दो मंगा सकते हो कम्प्लीटली ओनली। और इसके अंदर में और भी कलर्स आते हैं जैसे कि वाइट आता है, पर्पल आता है, ग्रीन आता है, बट मैंने मंगाया है रेड बिकॉज मेरी बाइक का कलर है रेड और टायर है ब्लैक, ब्लैक के ऊपर रेड अच्छा लगेगा, व्हाइट तो नॉर्मली सब कराते ही है बट आई थॉट रेड ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग प्रोसेस। पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको आपके जो टायर है इसे वाइप करना है गीले कपड़े से ताकि अगर कुछ भी गंदगी है, डस्ट है, वो निकल जाए, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। जहाँ जहाँ पे आपको पेंट करना है वो पार्ट जो है वो साफ़ होना चाहिए, डस्ट नहीं लगाना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा ना फिर। तो हमने अभी गीले पानी से उसे धो दिया है, अब हमें उसे सूखे कपड़े से पोंछना है। So let's start the painting process. एज यू कैन सी ये जो साइड है हमारा टायर का ये साइड हो चुका है। अब सिमिलरली आपको वो साइड भी करना है, तो अब मैं आपको वो साइड का करते हुए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने ये साइड का मैंने आपको दिखा दिया है, अननेसेसरी वीडियो स्ट्रेच करके कोई मीनिंग नहीं। सो उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाऊंगा आगे का मैंने कैसे किया। Thank you.
the girls with their nails done now. तो फाइनली आपने देखा गाइस किस तरीके से लग रहा है मेरी बाइक के ऊपर में, और ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता अगर टायर के ऊपर में जो ब्रांडिंग है वो और ज़्यादा बड़ी होती। अपने सीएट के टायर में थोड़ी छोटी है तो इस वजह से थोड़ा छोटा दिख रहा है, नॉट एन इशू, पर अच्छा दिख रहा है। टायर जब मैं पॉलिश करूँगा थोड़ी देर बाद, जब ये कलर अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद और ज़्यादा उठ के दिखेगा। तो अभी आपने देखा ये अनवॉश टायर था, ये वॉश होगा फिर वापस से पॉलिश होगा उसके बाद ज़्यादा और अच्छा लगेगा। सो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मुझे भी पता नहीं कि कितनी पेन यूज़ में आएगी, तो गाइस एक ही पेन यूज़ में आई विच कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़, नथिंग मोर देन दैट। तो एक पेन के अंदर में आपका दोनों टायर हो जाएगा। सो अगर आपको भी परचेज करना है ये प्रोडक्ट तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ।